और वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत के लिए देश भर में लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में भारत की जीत के लिए खास पूजा की गई, साथ ही वहां दीपदान भी किया गया। अहमदाबाद में होने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल वर्ल्ड कप को लेकर बांके बिहारी मंदिर में आज पूजा अर्चना की गई है। हम इस वक्त हैं बांके बिहारी मंदिर में। बांके बिहारी मंदिर में पै ठाकुर जी के सामने दीपदान किया गया। हमारे साथ यहां पर बांके बिहारी मंदिर के सेवायत हैं और प्रशंसक हैं इंडिया की टीम के। आइए इनसे बात करते हैं। पहले आज क्या प्रार्थना की है ठाकुर जी के सामने आपने? देखिए, जैसे कि आपको पता है कल महामुकाबला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो हमने श्री बांके बिहारी जी महाराज के मंगल श्री चरणों में टीम इंडिया की विजय की कामना की है, दीप दान किया है और ठाकुर जी की चौखट पूजन किया है। कि जैसे कि आपको पता है 2003 में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो मुकाबला था तो हमारे पाले में वर्ल्ड कप नहीं आया था, तो हमने ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना की है कि इस बार महामुकाबले में वर्ल्ड कप हमारी टीम इंडिया को प्राप्त हो, जिससे कि देश गौरवान्वित हो। क्या होने वाला है कल के मैच में? कल के मैच में टीम इंडिया दोबारा से अपना शानदार प्रदर्शन दिखाने जा रही है। अब तक का वर्ल्ड कप 2023 के वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा टीम इंडिया का प्रदर्शन अद्भुत, अकल्पनीय रहा और ऐसा ही फाइनल में होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, चारों तरफ भारतीय टीम का ही जलवा दिखाई देगा। आप बताइए, आपके हाथ में पोस्टर है तो कौन अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है? विराट कोहली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने पहले मैच में भी है ना शतक लगाया था और इस मैच में भी बढ़ चढ़ कर शतक लगाएंगे। जिस तरीके से इंडिया टीम पहले मैच से 10वें मैच तक हर मैच को जीती है और परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहा है, इसी तरीके से 11वें मैच को भी वर्ल्ड मुकाबला जीतेगी और हमारी बिहार जी से यही मनोकामना है कि हमारी वर्ल्ड कप हमारा हो और इंडिया वर्ल्ड कप जीत के ही वर्ल्ड कप को लेके भारत आए। आपके हाथ में बैट लगा हुआ है, कौन अच्छी बैटिंग करने वाला है? बैटिंग पूरी टीम अच्छी करने वाली है और हमारा पूरा विश्वास है कि हमारी टीम इंडिया ही जीतेगी। जो अब तक का प्रदर्शन रहा है टीम इंडिया का वो बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा है, जिसमें कि अब तक के जितने भी मैच हुए हैं उसमें टीम इंडिया एक भी मैच हमारी नहीं आ रही है और वर्ल्ड कप इस बार हमारे ही हाथ में होगा। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे बांके बिहारी मंदिर के सेवायत और यहाँ के स्थानीय लोग, जिनका कहना है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आएगी। हमने ठाकुर जी के सामने प्रार्थना करी है और ठाकुर जी की ये कामना की है कि ठाकुर जी टीम इंडिया को जिताएं। सौरभ गौतम, मथुरा, NDTV इंडिया।